हमेशा जब कोई फैमिली ड्रामा आता है, खास तौर पे उसमें ह्यूमर भी हो, साथ में अच्छा मैसेज भी हो, सबको पसंद आता है, और इस फिल्म का प्रमोशन भी जो पूरी टीम के द्वारा किया जा रहा है, ये फिल्म प्रमोशन के लिए अपनी अपनी शादी की रियल फोटो डाल रहे हैं। मैं पहले तो आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रहा है यहाँ पे। ये नीतू मैम ने अपनी शादी की फोटो डाली, ब्यूटीफुल पिक्चर मैम। और दिखाइए, अनिल सर ने अपनी शादी, वाओ। और दिखाइए, वरुण ने अपनी शादी की फोटो डाली है। और दिखाइए, मनीष ने अपनी शादी की फोटो डाली है। वाह, इतना चिकना पता नहीं चल रहा बहू कौन सी दोनों में से। बड़ी प्यारी फोटो है। और दिखाइए, सिर्फ क्यारा है जिसने अपने मम्मी पापा की फोटो डाली है। तो अच्छी क्यों बात है। अरे मतलब आप मुझसे बोल देती मैं नकली फोटो खिंचवा लेता। ऐसे कामों में मेरी माँ भी बड़ा सपोर्ट करती। मैं आपको दिखाता हूँ, मजाक नहीं, दिखाओ जरा। ये देखो, हम कर लेते हैं। अच्छा, फिल्म के प्रमोशन में सब लोग ये कह रहे हैं कि शादी के बाद सब बदल जाता है, क्यारा और प्राजक्ता को छोड़ के बाकी सबको शादी का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्यों ऐसा कहा जाता है? नहीं, शादी के बाद सब बदल जाता है क्योंकि बेटर हो जाता है। ये तो हो गया बीबी का डर, सच बताओ। सच ये है कि बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। घर जाना है यार, घर जाना। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर, मेरे हिसाब से इस बारे में, इस विषय पर सर चर्चा हो रही है, तो मैं बस यही कह दूं कि मेरी तो लाइफ बदल गई है शादी के बाद। आई तो झूठा नहीं, बहुत अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। हाँ नहीं, अच्छी बात, अच्छे के लिए। और मेरी जिंदगी में कुत्ता भी आया है। कैसे मतलब? जोई वी अडॉप्टेड, मेरा जो कुत्ता है जोई वी अडॉप्टेड, बच्चा मेरा कुत्ता, मेरा बच्चा ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चे जैसा ही है। एंड आई लव हिम एंड आई लव माय वाइफ आल्सो। सी, अबे घर जाके डंडे पड़ेंगे। नहीं नहीं, आई लव माय डॉग एंड माय वाइफ, दोनों। आदमी संभल जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसमें। आपको क्या लगता है, आप भी बदल गए हो? कपिल, तू कितना बदला शादी के बाद? तेरा क्या क्या बदला? कभी मेरी कोई खबर सुनी आज तक ट्विटर पे शादी के बाद? कोई खबरों में यही होता बदलाव? करेक्ट, नहीं ट्विटर में बिल्कुल। घर में ही चुपचाप बोल बोल के घर में पिटके सो जाते हैं हम। कोई टेंशन नहीं। फिल्म में वरुण का एक डायलॉग है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है घरवाली, क्योंकि उसको बार बार मनाना पड़ता है। कई लोग तो इतने बड़े दिल के होते हैं, दूसरों के फेस्टिवल भी मना के आ जाते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहूंगा अनिल सर से, मनीष से और वरुण से, कि ये जो त्योहार है घरवाली को मनाने वाला, महीने में कितनी बार मनाते हो आप एवरेज? अनिल सर हैज बीन मैरिड द लॉन्गेस्ट, ये बताएंगे जी। अनिल सर, हम सर, बीवी को कितनी बार मनाना पड़ता है सर? नहीं, वो मुझे मनाती है। अरे ऑब्वियसली मनाती है। मैं असल में एक्चुअली बताऊं क्या होता है, मेरा भी क्या है, बीवी जो होती है ना, मैं आज खुले में बोलता हूं, मैं अपनी बीवी से डरता नहीं हूं। जब भी कोई बात होती है, एक आवाज करो, ऐसे आवाज करो, गर्म पानी लेके आती है, क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता ना, तो क्या। अच्छा, और मैं एक बात सही बता दूं, मैं जब भी मैं नाराज हूं, भाई साहब घुटनों पे बैठ के मुझे मनाती है, मैं बेड के नीचे छुप गया होता हूं ना उसके बाद। यारा जी, कर लो शादी, बड़ा मजा आता है। हाँ, पता चलेगा बेड के नीचे भी क्या है। यारा, enjoy your single life as long as you can, please. Thank you so much. मैं enjoy करूंगी अपनी single life. इतनी प्यारी है, मक्खन से बनी हुई लड़की। नीतू मैम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनका रोल इस फिल्म में काफी सीरियस है। ऑपोजिट आपके हैं अनिल कपूर साहब, ये तो सीरियस बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो आज सब बैठे हुए तो इसलिए बैठ कर खड़े रहते हैं ये। सीरियसली, एक मैं घोड़े के बारे में ये बात बोलूं, घोड़े जो होते हैं सोते खड़े खड़े, अनिल कपूर साहब भी खड़े खड़े। तो इनके साथ मुश्किल नहीं हुआ? तो कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं अनिल सर। बहुत शरारतें, अनिल इज लाइक द नॉटीएस्ट एवर। पहली बात, हमारा जब मुहूर्त शॉट हुआ, द फर्स्ट शॉट, सो ही टोल्ड एवरीबॉडी कि मेरे आके पांव छुओ। अच्छा, मैंने बोला आई एम नॉट द ओल्डेस्ट, यू आर एल्डर टू मी, मेरे से दो साल बड़ा है अनिल और मेरे पांव छुओ। सो आई सेड हाउ यू आर मेकिंग देम टच माय फीट, बोलते नहीं आप स्क्रीन पे आप पहले आए थे मेरे से, सो योर स्क्रीन स्पेस मेरे से ज्यादा है। और लाइंस के बारे में ये बताया था ना आपको?
He's lines, said, oh Neetu, my God. Neetu, just know the lines like you know your mother. No lines like your mother. I have to tell you one kisser is very funny. So now, मेरे को नहीं आदत है मॉनिटर के पीछे देखने की. अभी मैं पुराने ज़माने की हूँ, तो अपना डायलॉग बोला तो बैठ गई. He loves to see his monitor. मैं बैठ जाती थी. So मैं अपना नहीं देख रही हूँ शॉट. अनिल बोले, come and see my shot. तो मैं जाके मैं मेरे को नहीं अच्छा ठीक है. I would see the first shot. बैठ गई. See take two. जितने भी लोग हैं ना हम लोग सब ने अनिल कपूर पे पीएचडी की है बिकॉज़ ही इज बिल्कुल ही इज अ सी अनिल कपूर मतलब इज पार्ट ऑफ पॉप कल्चर मेरे हिसाब से बट वरुण एक सेकंड वन करेक्शन इट्स नॉट अनिल कपूर इट्स अनिल कपूर क्योंकि हम लोग ने इतना काम किया लॉकडाउन में काम किया एक साल लगा है फिल्म बनाते बनाते यहाँ पे हर Every person can do an imitation of Anil Kapoor. Oh, अच्छा? Everybody, yeah. सब करते हैं अपना क्या वो कैसे करते हैं? One minute. First thing in the morning when he comes, first thing he asks you, कैसा लग रहा हूँ? कैसा लग रहा हूँ? अभी अगर अच्छे नहीं भी लग रहे बोलना पड़ता है. Very nice, Anil. You are looking. अभी कोई पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा हूँ यार. Okay. Kiara, you do your imitation first. तो अनिल सर इज वन मोर हर शॉट के बाद उनको एक और शॉट चाहिए और जब भी उनको एक और शॉट चाहिए तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है सो ही विल ऑलवेज एम आई राइट वी शुड डू वन मोर वी शुड डू वन मोर या वी शुड डू वन मोर प्रोजेक्टा यू डू प्रोजेक्टा आई गॉट आई हैव अ स्टोरी बट आई हैव अ स्टोरी मैं एक स्टोरी बताऊं एक किस्सा छोटा सा ओके तो एक सीन था जिसमें अनिल सर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के शूट कर रहे हैं और अनिल सर ना मेरे से बातें कर रहे थे कि अच्छा तुम अभी क्या करने वाली हो कैसे करने वाली हो एंड देन आई वाज आंसरिंग और सर नीचे ही देख रहे थे उसके बाद वो बोल रहे अच्छा अच्छा वेरी गुड माइंड ब्लोइंग लवली माइंड ब्लोइंग लवली आई सेड थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर व्हेन आई लुक्ड अप टू हिम ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ वो खुद तो बोल रहे थे बिकॉज़ वो आईना देख रहे थे तो आईने की तरफ देख के बोल रहे वेरी गुड माइंड ब्लोइंग मैं कहा थैंक यू जब मैंने ऊपर जा मतलब हम लोग सीन कर रहे हैं रात के 3 बजे हुए हम लोग रोड के डिवाइडर पे बैठे तो लंबा सीन है अनिल सर का एक मोनोलॉग है लंबा मोनोलॉग है एंड सब कुछ रिहर्सल हो गई और मैं आके डायरेक्टर के साथ बैठ गया दूर जिब लग रहा था दूर से अनिल सर चिल्ला रहे तो मैं और राज जो डायरेक्टर है उसका कॉफी गिर गया मैं भी देखा क्या वो मूड चार्जअप कर रहे थे फिर नहीं फिर मैं आके बैठा सर के सामने मैं आके बैठ गया फिर उसके बाद एंड सर बहुत क्वाइट हो गए और ऐसे बैठे थे एंड ही टोल्ड मी सी यू नो राज आई एम जस्ट कीपिंग द हेयर फ्लैट कीपिंग अ फ्लैट बिकॉज इट्स लाइक अ टॉम हैंक्स सीन यू नो जस्ट फ्लैट आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस कुछ डिस्टर्बेंस नहीं और जस्ट द वर्क मुझे उनको कुछ धक्का देना था फिर पूरा किया एंड सर तो राज ने बोला सर थोड़ा अच्छा ये थोड़ा हॉलीवुड हो गया हॉलीवुड जब मैं हॉलीवुड थोड़ा थोड़ा सर ज्यादा चाहिए अच्छा ज्यादा के घुस जाता हूँ बट मुझे आज स्टेज पे बोलना पड़ेगा कि मैंने किसी दूसरे एक्टर के साथ इतना मजा नहीं आया मुझे मैंने इतना सीखा नहीं है इतना मजा नहीं आया